ये प्रकृति है, ये लगाए नहीं, अभी पत्थरों में कौन लगाएगा, चलो हाँ हाँ अपने आप लगे। ये ब्यूरी सिद्ध की पुरानी वो ब्यूरी हमने खुदवाया था इसको। अच्छा ये पुराने समय की बावड़ी है, पुराने टाइम की, इसी से पानी पीते थे पहले। अच्छा। नाना दोना पीना गरा आस पास के गांव वाले इससे ले जाते, 2002 में भी बहुत पानी था इसमें। अच्छा हाँ, इसलिए दोनों गांव का काम इससे चला था, इस ब्यूरी से यहाँ से ले जाते थे पानी। अच्छा हाँ। और ये वट वृक्ष है, ये वट वृक्ष है, पीपल है। अच्छा हाँ, ये भी प्रकृति है, और धीरे धीरे फिर इनकी शादी करी है। अच्छा इनकी आपस में शादी? हाँ आपस में शादी हुई। अच्छा हाँ, एक लड़के वाले बने एक लड़की वाले बने, दोनों गांव के मिलाकर 4-5 बोली सक्कर गली है। अच्छा, और भंडारा हुआ है फर्स्ट क्लास। तो इसमें वधु 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 किसको बनाया गया था? हाँ, वधु इसको बनाया है ना। अच्छा ये वधु है और वो वर है, वट वृक्ष और ये पीपल है। पीपल है। अच्छा ये प्रकृति है, प्रकृति पत्थरों में है, देख लो यहाँ सांप वगैरह भी है। हाँ इसमें ही है। अच्छा सिद्ध का डेरा, सिद्ध का डेरा है, नाग देवता देते हैं। आपने आपने दर्शन किए बाप जी? देखे ना, मैंने दर्शन हुए हैं, मेरे को जगह से भी दर्शन की दिए हैं। अच्छा और क्या, मैं इसमें ये यहाँ से इसका अंदर अंदर ही इसमें मेरे को जगह के भी दर्शन दिए। अच्छा नींद से आपको उठाया? हाँ रात के 1:30-2 बजे। अच्छा हाँ, मुझे जगाया है। हाँ जगा के मुझे दर्शन दिए, उसके बाद में सोया हूँ, उसके बाद में। अच्छा ये समाधि सिद्ध बाबा की, त्रेता युग की कहानी है ये। त्रेता युग की कहानी है, आजकल की नहीं है, बहुत वर्षों पहले जब 1-1 लाख वर्ष साधुओं की उम्र होती थी। अच्छा हाँ, ये तो फिर काफी वर्षों बाद पता लगा है, यहाँ तो कोई आता नहीं था ना, तो फिर पता लगा था साधु की क्रिया से, उसने दृष्टि से देखा है तो साधु गड़ा हुआ है, जो फिर छोटा सा चबूतरा बनाया, फिर हमने इसको बड़ा करवाया। अच्छा काफी काम को आर जो होता है लोगों के, ये गंगा जल देते हैं हम। अच्छा हाँ, कोई हारी दुखारी है, लोग आते हैं ना तो उनको गंगा जल ही पावड़ी के चरणों का जल देते हैं, उससे भी अच्छे हो जाते हैं। अच्छा हाँ, सबकी बीमारी दुख मिटते हैं। और यहाँ पे उन्होंने वो जीवित समाधि ली थी? जीवित समाधि, जीवित है। अच्छा जिंदी समाधि, ये हमारे 12 से जूना चल रहा है, 2012 से। अच्छा 2012 से ये धुना प्रज्वलित है, 12 से चल रहा है धुना। 13 में 108 रामायण जी हुई चतुर्मासा में। अच्छा फिर 14 में हमारा यज्ञ हुआ था श्री राम पंचकुंडी यज्ञ। तो यहाँ माचिस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती? माचिस नहीं लगती इसमें, इसमें अखंड ज्योति रहती है, इसमें कंडा दबा दिया जाता है। अच्छा और शाम को भी दबाते हैं, शाम को दीप भगवती होती है, आरती होती है, सुबह नहीं लाए दुलाए जाते हैं। मतलब इस धुने के अंदर कभी भी माचिस काम नहीं ली? माचिस का काम नहीं है इसमें, ये जब से लगाई जब से माचिस का काम नहीं रहा है इसमें। अच्छा ऐसे जो चली इसमें अखंड जो चलती रहती है। हाँ, इसमें हाँ, लगभग एक दशक यानी 10-12 साल हो गए। हाँ, ये 8 साल हो गई इसको। अच्छा 8 साल में इसको पूर्ण करेंगे। अच्छा 8 साल हुए हैं, 12 साल में पूर्ण होगा, साल में इसको समापन करेंगे, इसका भंडारा होगा। अच्छा हाँ, तो ये धुनी को ठंडा किया जाएगा। 12 साल का ही होता है धुना, 12 साल का होता है। उज्जैन वाले काल भैरव हुए। अच्छा ये भैरव जी का मंदिर है? हाँ ये काल भैरव, काल भैरव बाबा है उज्जैन वासी, उज्जैन के काल भैरव। हाँ उज्जैन के काल भैरव, वहीं से मंगाई थी मूर्ति, हमें लाए थे। तो ये मूर्ति आपके हाथों से लाई हुई है? हम लाए थे उज्जैन जाकर। हाँ वहाँ खुद ही गए थे। अच्छा वहाँ से जाके लाके इसको पधराया था। अच्छा चबूतरा बना, उसकी फिर हमने क्रिया भी करी थी। अच्छा इसकी सिद्धि होती है, उसको करना पड़ता है।
सामने आ जाता है। हम्म, अगर डर गए, मर गया आदमी, अच्छा कोई भी हो, कोई संत हो, कोई भी हो, अच्छा साक्षात छाया आती एकदम, वही बकायदा पूछता है कैसे बुलाया, क्या काम है, ऐसे किसी के शरीर में प्रवेश करके बोलते हैं? नहीं, तो ऐसे खुद आ जाते हैं, साक्षात खुद आ जाते हैं, खुद। अच्छा, हाँ, जब उसकी उसका पाठ करेंगे, उसकी क्रिया से, उसको रात दिन वगैरह, उसको उसको जैसे 45 दिन का भी होता है, 25 दिन की भी होती है, तो उसका वो मंत्र किया जाता है, रात दिन मंत्र किया जाता है, फिर वो सामने आता है, पूजा पाठ चलता है, भोग लगता है, धूपाड़े होते हैं, पूजा पाटा लगाया जाता है, पूरा पाटा होता है। तो अब ये तो दूसरे हैं ना, तो ये तो मदिरा मांगते हैं, तो अपन मदिरा वाले नहीं है ना, अपन मदिरा वाले, तो अपन ने तो बोल लिया भाई कि भाई मिठाई है, 10 तरह की मिठाई मंगा रखी थी भोग के लिए, और भाई हम तो मदिरा रंडार मांस नहीं ला सकते आपके लिए, तो अब तो आप तो ये मिठाई पाओ। फिर मान गए भैरू जी? हाँ, फिर माने, फिर हमारे को उठा उठा पटका दो चार बार। अच्छा, कांटे ही कांटे थे यहाँ। अच्छा, हाँ कांटे ही कांटे थे। अच्छा, फिर वो क्या है, खून मांगता है, तो वो कांटों में पटका ना। अच्छा, मुझे पटकते रहा, पटकता रहा, उठता उठकता रहा, फिर कांटे वाटे घुसे ना, छिला छिली हुए, ब्लड निकला ना, जब छोड़ा फिर उस। अच्छा, भैरू जी खून खून लेते हैं? वो लेते हैं ना, भाई क्यों बुलाया, ला मेरी पूजा, सही है, अब वो तो पूजा उनकी दूसरी, अपने पास दूसरी, तो इस चक्कर में अब उनके लिए तो बोतल होती रही होती, तो फिर मैंने कहा बोतल के हम हाथ लगाने वाले नहीं है ऐसी चीजों के, अब तुम्हें मिठाई खानी हो मिठाई खा लो भाई, वो भी तो तुम्हारी मिठाई पर उनका प्रसाद दूसरा है ना, सही है। तो फिर इस तरह से फिर भैरू जी माने? हाँ, भैरू जी मान गए, निकल गए। बाप जी आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास। तो बाप जी सब जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ का आप इतिहास बताएं बाप जी। हाँ, ये बहुत पुरानी मूर्ति है, संत संत जिंदी समाधि है, संत ने पधराई हुई मूर्ति है, पहले काफ़ी समय पहले यहाँ जंगल था बाहरी, और शरीर छोड़ संत संत ने शरीर छोड़ने के बाद में फिर ये गुप्त रहा है स्थान, संत यहाँ तपस्या करते थे। हाँ, संत यहाँ तपस्या करी, संत ने उन्होंने इस मूर्ति को पधराया है हनुमान जी को, और इसी की साधना करिए संत जी ने, फिर वो उनको इच्छा से शरीर छोड़ा है उन्होंने, तो उसके बाद में फिर इस शिला में रहे हैं वो। अच्छा, फिर उन्होंने शरीर छोड़ा है यहाँ, उनकी समाधि है यहाँ, उसके बाद में फिर उसके बाद में यहाँ पर जंगली जानवर शिला के नीचे बैठते रहे हैं। अच्छा, जंगली जानवर नहर वगैरह, उसके बाद में काफ़ी टाइम तक चलता रहा, फिर ये जंगल कटा, धीरे धीरे ग्रामवासियों को पता लगा कि भाई इस शिला का, फिर देखा करा बुद्धिजीवी आदमी आए यहाँ पर, उन्होंने देखा तो ये शिला दिखाई दी, फिर देखा तो हनुमान जी भी थे, फिर यहाँ लगाए। ये हनुमान जी की प्रतिमा? हाँ हाँ, ये नीचे तक जा रही है, बड़ी है। अच्छा, आठ आठ फुट की मूर्ति है। अच्छा, हाँ, 7-8 फुट की मूर्ति नीचे तक जा रही है। कई बार कई साधु आए, फिर जंगल की वजह से नहीं ठहर पाए, और क्या व्यवस्था नहीं थी, फिर धीरे 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 हुआ है विकास अब। तो बाप जी हम देख पा रहे हैं कि 8 फीट की जो मूर्ति है, लेकिन ऊपर जो है वो हमें से 2 या 2.5 फीट की ही दिख रही है, तो ये ऊपर उठी नहीं? हाँ, ऊपर उठी नहीं, इसका डोबा लगाया था खुदाई करके। अच्छा, तो ऊंचा उठाया था, बहुत जंगली पत्थर है, बड़ा काला पत्थर की मूर्ति है, बड़ा पत्थर है, उठा नहीं, ऊपर नहीं आया ये, जो फिर वापस डोबे को वापस दबा दिया, फिर इसका ये बहुत छोटी थी, इतनी सी निकल रही थी, फिर इसका ऐसे सिस्टम किया है पंडित पुजारियों ने करवा कर, इसका ये थोड़ी सी छाया करी है छोटी सी। अच्छा, और क्या, ये मंदिर बने कितना साल हुआ, ये नया वाला? इसको 30-40 साल हुए हैं, 31 साल हो गए। अच्छा, 40 साल करीब हुए हैं। अच्छा, आप यहाँ पे कितने सालों से? ये मेरे को, मैं 10 साल की उम्र से ही हूँ यहाँ। अच्छा, 10-12 साल की उम्र से ही। दोस्तों अब मैं मंदिर के पीछे आ गया हूँ, वो उस साइड मंदिर है, और ये पीछे टोटली आप ये फॉरेस्ट का इलाका आप देख सकते हो, फॉरेस्ट एरिया है ये पूरा, वो जंगल का इलाका है, ये आड़ोती अंचल के जंगल आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से। इन जंगलों के अंदर दोस्तों गुरुजी बता रहे थे बहुत सारे जंगली जीव भी यहाँ पर रहते हैं, कभी कभी मंदिर तक आ जाते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक जंगल है, अकेले हम अनजान जो इन जंगलों से जो अनजान है वो इनके अंदर प्रवेश ना करें तो अच्छा होगा।
ये यहाँ पे देखिए इस प्रकार से ये बॉर्डर बनी हुई है, ये इस प्रकार से दीवार बना के इसको प्रोटेक्ट किया गया है ताकि कोई इससे आगे ना जाए। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो जानकार है, वो तो चलो लकड़ी लेने के लिए वगैरह अंदर जाते ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे यात्री बहुत सारे आते हैं तो उनको मना है यहाँ से आगे जाने के लिए। और मैं भी फ़िलहाल इसी दीवार के ऊपर खड़ा हूँ, गुरुजी ने मुझे भी मना किया कि अंदर मत जाना, तो फ़िलहाल यहाँ पर खड़े हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो यह जो स्थान है ये बारा से आप निकलोगे तो किशनगंज बाईपास से लगभग 5 से 6 किलोमीटर अंदर मिसई करके गांव पड़ता है। मिसई और ये मतलब इधर पड़ता है मिसई गांव और इधर पड़ता है सोडाना गांव और बीच में ये स्थान पड़ता है। तो यहाँ पर आके आप किसी को भी पूछोगे अदर शिला हनुमान जी का मंदिर तो आपको यहाँ पे कोई भी बता देगा। 5 से 7 किलोमीटर मेन रोड से ही अंदर है तो आप बाई व्हीकल से आप आ सकते हो आसानी से, फोर व्हीलर आते हैं। कल शाम को भी बहुत सारे यहाँ पे यात्री आए थे, यहाँ के स्थानीय लोग तो आते ही हैं, बाहर से नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है ये स्थान कहाँ है कैसे है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यात्रा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।